मेहरबान कदरदान, नाटक शुरू होने जा रहा है। पिया बहरूपिया, विलियम भाई शेक्सपियर ने एक नाटक लिखा था बारहवीं रात, उसको मैंने जरा अपने स्टाइल में लिखा है। नाउ आई विल टेल यू बेसिक सी कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। अब राजा पड़ गया रानी के प्यार में। राजा ने प्रपोज किया और आईडी लगाए 50, लेकिन रानी के रियल ब्रदर का हो गया स्वर्गवास। अब एक दिन एक लड़की लड़का बन के आ गई राजा के दरबार में। राजा ने रख लिया उसको मैसेंजर, महल से लेकर रानी के घर तक डेली पैसेंजर। अब ये सॉफ्ट सा लड़का रानी के दिल को भा गया और इस सॉफ्ट से लड़के का दिल राजा जी पे आ गया, तो ये बन गया मोहब्बत का ट्रायंगल। लेकिन अब कहानी में आएगा एक नया एंगल। मैसेंजर लड़की का भाई सेबेस्टियन, जो रोल मैं कर रहा हूँ। और ये रोल मैं काट चुका हूँ बे, नाटक में नहीं है भाई। डायरेक्टर साहब, कम से कम कहानी में तो उसका जिक्र आने दो। अरे क्यों मेरे पीछे पड़ गया यार, अब तू लोगों को गलत कहानी सुनाएगा तो कोई सुनकर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। लेकिन जब तक मैसेंजर लड़की का भाई नाटक में नहीं आएगा, नाटक पूरा कैसे हो पाएगा? अब तू मुझे शेक्सपियर समझाएगा? ठीक है फिर। अच्छा ठीक है, नाराज क्यों हो रहा है? तू नरेटर बन के चला जाइए और सबको कहानी समझाइए। चार लाइनें सेबेस्टियन की भी ले लूंगा। अरे ले लियो मेरे बाप, लाइनें भी ले लियो। तो भाई और बहनों, जब भी आपको प्लॉट समझ में नहीं आएगा, ये भाई हमारा नरेटर बन के आएगा, आपको पूरी कहानी समझाएगा। और रानी इसको समझ लेगी मैसेंजर, और इसे भी रानी से एकदम प्यार हो जाएगा। अब जल्दी से लाइनें याद कर ले भाई, वरना थर्ड बेल होती सारी लाइनें भूल जाएगा तू। नया कौन सी बेल हो गई? जल्दी कर। एक्टर्स, गाना बजाना ही इसकी खुराक है तो और गाओ और बजाओ। गोरी हो रही है, हे गोरी हो रही है, लाल गुलाब गुलाबे तू नचे के ले होरी। गोरी हो रही है, लाल गुलाब गुलाबे तू नचे के ले होरी। गीतों से जलती है अगर इश्क की ये आग, तो आग इतनी जलाओ के इश्क हो जाए ये राग। ओलिविया क्या कहूँ, जब से है दिल में प्रेम का ये राग, बहती हवा चुरा ले जैसे किसी फूल का पराग। ना गीतों में, ना महफिल में, ना गाने और बजाने में, ना ये दिल बहलता है कहीं, ना कहीं लगता है दिमाग। ये इश्क की गाड़ी बड़ी अजीब गाड़ी है, जो भी बैठ जाए इसमें छू मंतर हो जाए। कभी चलती है फोर्थ गियर में धड़ धड़ने से, कभी बिना बात खड़ी खड़ी सारी पंक्चर हो जाए। बाय द वे माय नेम इज ऑर्सिनो, और सीनों में जो आपके ये दिल धड़कता है, अरे अपनी मर्जी का है मालिक, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। न काबू दिल पे है, न इश्क और प्यार पर है, चलो चलेंगे डियर सर डियर के शिकार पर। यहाँ ओलिविया के इश्क में दिल की लगी पड़ी है और गम है हजार। क्या बोरिंग सा आइडिया है ये हिरन का शिकार। ओलिविया को देखा जब से पहली बार, नजरों के तीर ऐसे में दिल गया ये हार। कुछ तो कह दो,
अरे कुछ तो कह दो दिल को आए सबर, बोलो लाए हो क्या कोई अच्छी सी खबर। दरवाजा बंद रहा मालिक, बैल बजाई हजार। हाँ। उसका नौकरानी ने बात बताया मौजेदा। हाँ। कहने लगी जो मिलना है अलीविया से तो करना होगा 7 साल इंतजार। अरे 7 इयर्स। हाँ, भाई उनका मर चुका है और वो रोती रहती है। मिटने देंगे नहीं दिल से भाई का प्यार। जो मरने वालों के गम में है इतनी परेशान, सोचो सर जी कितनी नेक दिल होगी, कितनी अच्छी होगी वो इंसान। है मेरी बाहों में आके रख दे सर जो अपना, उसके दिल से मिटा दूंगा मैं गम का नामो निशान। एक कहानी लाया हूँ मैं जिसका थीम है प्यार, और प्यार से बेटर फीलिंग तो कहीं नहीं है यार। पर प्यार के चक्कर में होते हैं बड़े बड़े बवाल, ना पूछो हाल इस मजनू का जिसकी गले ना दाल। फॉर एग्जाम्पल जरा सोचिए मैडम कि मैं लव करता हूँ आपको। हाय स्माइल तो देख लो, लाइन ना भूल जाऊं कहीं। और आप दिल दे बैठी हैं ये चश्मे वाले जनाब को, और ये जनाब जो दिखते हैं वो नहीं हैं, और ये जो दिखते नहीं हैं असल में ये वही हैं। और कमाल की बात बताऊं आपको, ये मेरे प्यार के चक्कर में पड़ गई हैं। गई हैं बड़ा कंफ्यूजन है यार, पर सब क्लियर कर देंगे है जो पीछे है कलाकार। नमस्कार। वैसे तो यहाँ पे भी मेन रोल में वही एक राजा है और एक रानी है, लेकिन जरा ध्यान से देखेंगे तो एक जुड़वां भाई बहन की कहानी है। और भाई यानी के सेबेस्टियन का रोल मैं कर रहा हूँ, जिसको लगता है कि उसकी जुड़वां बहन वॉयला डूब गई है एक तूफान में, और बहन को भी ऐसे ही लगता है कि उसका भाई निकल लिया। और मैं तो खड़ा हूँ आपके सामने, और बहन निकल ली है इलीरिया के गांव में राजा और सीनों के यहाँ भेस बदल कर काम मांगने। आंटी तो कंफ्यूज लग रही है, कहानी समझ में नहीं आई इनको। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं क्या डेली सोप नहीं है, शेक्सपियर है। पूरी कहानी मैं आपको फिर से सुनाता हूँ, पूरा नाटक आज आपको मैं ही करके दिखाता हूँ। हम क्या फालतू बैठे हैं यहाँ मुझे लगा के। अच्छा अंकल जी, अब जो कुछ बताया कंफ्यूज मत होलियो, और स्टेज पे वॉयला को लेके आ जाओ माल वालियो। ये क्या जगह है दोस्तों? ये इलीरिया है मोहतरमा, खुश किस्मत लोग ही आते हैं यहाँ। क्या खाक अच्छी किस्मत है मेरी, इस समंदर ने मेरे भाई की जान ले ली। खुश किस्मत तो आप है ही मैडम, कम से कम आपकी जान जो बच गई। हाँ ऐसा भी तो हो सकता है कि किस्मत ने मेरे भाई का साथ दिया हो। जरूर दिया होगा, और उसकी जान बच गई होगी। तुम्हारे मुँह में घी शक्कर, क्या तुम इस जगह को जानते हो? कौन है यहाँ का राजा? बड़ा ही नेक दिल राजा है मैडम, और सीनो नाम है उसका। हाँ नाम सुना है मैंने बहुत पहले अपने पापा जी के मुँह से, बड़े चर्चे थे इनके, और तब ये कुवारे थे। कुवारे तो अभी है ना, शादी ना सगाई, और चर्चा ये है कि मोहब्बत में है भाई। अरे किस बाप की बेटी हो गई पराई। मुझे प्यारी सी लड़की है, काउंट की बेटी है, भाई के गम में चुपचाप लेटी है। ओहो वो भी अकेली, मैं भी अकेली, काश बन सकती मैं उसकी सहेली। मैं लड़की अकेली, ये शहर बेगाना, और आजकल अच्छा नहीं है जमाना। लड़का बनकर ढूंढूंगी मैं नौकरी, और आता भी है मुझे गाना बजाना। कमाल का आइडिया है मैडम, आपकी नौकरी पक्की मैडम, बजाओ जोर से ताली। कल्चरल डिपार्टमेंट वैसे भी हमारा पड़ा हुआ है खाली। ला 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 ला
बराबर है। इधर बच्चे इसको पानी पानी दो जल्दी। अच्छे मेरी भतीजी भी हद करती है यार, रो रो के आसमान सर पे उठाया हुआ है। नहीं एक बात बताओ, क्या ऐसा करने से इसका मरा हुआ भाई वापस आ जाएगा है? अच्छा आ गई। अच्छा आपके घर आने का कोई टाइम वाइम है या नहीं? आ? देखो आपको अपनी आदतें सुधारनी होंगी इससे पहले कि मैडम का पारा और ऊपर चढ़ जाए। इतना ट्रैफिक है शहर में, कैसे घर जल्दी आ जाएगा कोई? पता है 3.5 घंटे लग गए मुझे अपने घर से जी स्टूडियो पहुंचते, और जिसका पारा चढ़ता चढ़ जाने दो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। यू वांट टू फाइट विद मी? आप हद से बाहर जा रहे हो। हद हो गई यार, लेट हो गया, इसमें हद से बाहर जाने वाली कौन सी बात है? मैं कोई कपड़े उतार के नंगा डांस तो नहीं कर रहा हूँ ना, कपड़े पहन के जाता हूँ दारू पीने और कपड़े पहन के वापस आ जाता हूँ। नहीं एक बात बताओ आप लोग, आदमी कपड़े और जूते आखिर लेता किस लिए है? इसलिए ना कि थोड़ा बाजार तक घूम आए, थोड़ा सैर कर ले रात को। अब अगर मैं सारा दिन घर में बैठा रहूंगा तो मेरे जूते तो फांसी लगा लेंगे अपने फीतों से। इन्हें भी कहीं घूमने जाना है कि नहीं? हाँ वो सब तो ठीक है, जो करना है करो, लेकिन मर्यादा के अंदर रहो ना। मर्यादा के अंदर? हाँ। अंदर तो कपड़ों के रहते हैं, मर्यादा के तो बाहर ही मैं जाऊंगा। क्या बात है टोपी चाचा, शुक्रिया। अंदर तो कपड़ों के रहते हैं, मर्यादा के तो बाहर ही मैं जाऊंगा। ऑलरेडी पी के आया हूँ। क्या पी गया हो भाई साहब? ऑलरेडी। चुप कर टुच्चे। ऑडियंस इंटरेक्शन। ऑलरेडी पी के आया हूँ, मत रोको मुझे वरना जाऊंगा दो पैग और लगाऊंगा। पीने की लत ये तुझको डुबाएगी, पीने की लत ये तुझको डुबाएगी, ये भी झूल जाएगा वो भी लग जाएगी। हाँ ये भी झूल जाएगा वो भी लग जाएगी। पीने की लत ये तुझको डुबाएगी, कितनी भी गालियां दे दे वापस तेरी गोदी में आऊंगा। कमिटमेंट। कितनी भी गालियां दे दे वापस तेरी गोदी में आऊंगा। अरे मैं हूँ सर टोबी, तू है मेरी गोभी, खाऊंगा मैं तुझको ही खाऊंगा। क्या कह रही थी मैडम? ओफो मैडम कह रही थी कि ये दो चीजें आपको ले डूबेंगी। कौन सी? एक तो आपकी पीने की आदत, और दूसरा वो बेवकूफ आदमी जिसे आप मैडम की मुंह दिखाई के लिए ले आए थे। कौन? एंड्रयू दादा। एंड्रयू दादा। ओए पता है कितनी लंबी रेस का घोड़ा है वो, इलीरिया में कोई है क्या उसके जैसा? साल में 30 लाख रुपए आमदनी है उसकी, गिनने बैठेगी तो चक्कर आ जाएंगे। समझी? पैर से पियानो बजाता है, एक नहीं दो नहीं चार चार भाषाएं जानता है, और पटर पटर बोलता है बिना डिक्शनरी के, और एक्सेंट तो ऐसा भाई साहब कि उसकी आधी बात मेरी समझ में नहीं आती। बाय नेचर टैलेंटेड है। अरे भोंदू है बाय नेचर, टैलेंट तो बस भैया उसमें इतना है कि कोई उसे अगर पीटने आ जाए ना तो डरपोक की तरह भाग लेता है, वरना कब का मर चुका होता वो। लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, खाली बैठे दूसरों के बायोग्राफिया में 4 चांद लगाते रहते हैं बस। आपका भी नाम है उस बायोग्राफिया में, रात रात भर दोनों की दारू जो चलती रहती है। यार दारू मेरी, लिवर मेरा। नहीं यार वैसे ही शोर मचाया हुआ है,
मैं तो पीऊंगा। पियो जाम पे जाम अपनी भतीजी के नाम, जब तक इलीरिया में दारू है और मेरे बदन में कहां गया हाँ लिवर है, मैं तो पीऊंगा जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अरे डोबी बोलो धीरे कूले कूले मन डोले यार प्राण डोले मन डोले यार प्राण डोले थूबी अमर दादा लॉबी इज हियर कैच इट कॉट इट प्लीज होल्ड इट टोबी बंधु वेलकम वेलकम। हाँ टोबी भगवान भला करे आपका 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 आपका, तो भगवान ने पहले ही बोड़ा भोला किया हुआ है। आज तुझे तोड़ के भिजालो जी। मेरी भतीजी की बाई है वो दूध है तो ये मलाई है। अच्छा नमस्कार मलाई जी। मेरी नाम है मेरा तो बन जाइए मेरी मोलाई जी। एंड्रयू दादा की बोलो ज्यादा ना बोलो बितक जाएगी। बितक रिझाने से मेरा मतलब है मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाओ और जैसे ही मछली आ जाए हाथ में मसल के खा जाओ। अभी अभी तो एंट्री हुआ है दादा, अभी से कहाँ से मसलने पर आ जाओ। चलती हूँ मैं। रुको, अगर लड़की हाथ से निकल गई तो लानत है आप पर और आपकी तलवार पर। अगर लड़की हाथ से निकल गई तो लानत है मुझ पर और मेरी तलवार पर। हम नहीं होने देगा। दाड़ाओ मौर्या जी दाड़ाओ। आपको क्या लगता है हमारे हाथों की लकीरों में बस हाथ मौलना ही लिखा है? मौलना क्या हाथ आपके जी, लकीरें आपकी जी? हमको क्या पता उसमें क्या लिखा है। हमको तो बस अपने बारे में मालूम है, हमारा हाथ बड़ा लकी है। मतलब लो जी हमने आपका हाथ थाम लिया और रगड़ दिया, अब हमारा हाथ भी लकी हो गया। लकी है क्या बात। आप तो लकी हो गए लेकिन हमारी किस्मत तो फूट गई ना। उल्लू खींच रही है हमारा। मैंने बस आपका उल्लू खींचा है लेकिन एक उल्लू ने मेरा पूरा हाथ ही खींच लिया। पंच पे पंच मारती है लड़की। चुप कर पंच परमेश्वर। और आप क्या वहाँ सरपंच बने खड़े हैं? यहाँ मेरा हाथ खींचे जा रहा है और आप अपना उल्लू खींचवा रहे हैं। खींचू दारून ज्यादा। अरे मरी अम्मा मेरी अम्मा। बेइज्जती हो गई एंड्रयू दादा। अच्छा क्यों आपको नहीं पता लगा? अब तो दो घूट मारने ही पड़ेंगे तभी ये बेइज्जती भुला पाऊंगा मैं। गुड आइडिया। लेकिन आपको हाँ आपको क्या हो गया था? आपकी जबान पे क्यों लग गया था वो क्या कहते हैं उसे ताला? हम तो बोल बोल के थक गया टोबी, किंतु तुम्हारा भतीजी का दिल नहीं पोसीचता। चार चार भाषाओं में समझाने का कोशिश कर चुका हूँ लेकिन हमारा एक्सेंट उसको समझ नहीं आता। टोबी आमी ये खाने दाड़ते पार बोला, यहाँ पर कतार बहुत लंबा है, वैसे भी हम इतने साल चला गया। टोबी वो है ना वो लाल टोपी पहना हुआ रसोगुल्ला, वो तो नहा धो के हाथ धो के तुम्हारा भतीजी के पीछे पड़ा है। हमारा नंबर कब आएगा? उसकी फिकर आप मत करो एंड्रयू दादा। अपनी भतीजी की चॉइस मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा वो ऐसे किसी भी लड़के से शादी नहीं करेगी जो उम्र में धन दौलत में या फिर अकल में उससे बड़ा हो, इसलिए आप एकदम परफेक्ट हो। ठीक है हम वेट कर लेगा। अरे दादा हम तो पैदा ही वेटिंग रूम में हुआ था। फिर तो हम दोनों एक जैसे हुए ना। कैसे? दिल फेक आशिक टाइप के। ओ नहीं नहीं टोबी, हम दोनों आशिक है किंतु ठोरकी टाइप के। ठोरकी 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 ठोरकी। ओ हो हो कमाल की गहराई है आपकी बातों में एंड्रयू है ना। इसी बात पे पौने पांच पैग हो जाए कम। लेट्स गो। गो नहीं कम। सॉरी गो नहीं कम। शेक्सपियर। अरे किसी ने सिजारियों को देखा है क्या? ओ साहेब जी आए तात्या कुठे तिकड़े देखो जरा पलट के मैं कब से खड़ा हुआ आपसे लटक के सिजेरियो साहब जी। अरे नहीं नहीं
क्या छुपा है तुमसे और क्या है बताना, जाओ मिलो उससे और मिलके ही तुम आना, दरवाजा जो ना खोले तो हाँ बेल बजाना, ठीक है ओके। दरवाजा खोलेगी ही नहीं, मगर क्यों? भैया के गम में हैरानी, उसकी 7 साल वेस्ट है जवानी, है ना? दरवाजा खोलेगी ही नहीं, अरे? दरवाजा खोलेगी ही नहीं, और कैसे मैं कहूँगा ये कहानी, दरवाजा खोलेगी ही नहीं, अरे कैसे मैं कहूँगा ये कहानी, दरवाजा खोलेगी ही नहीं। झटपट से बता देना मेरे दिल की ये कहानी, झटपट से बता देना मेरे दिल की ये कहानी, तेरे बिन नहीं जी सकता हूँ ओ मेरी रानी, तेरे बिन नहीं जी सकता हूँ ओ मेरी रानी। भाई के गम में है मैं तेरे गम में हूँ, तू भाई के गम में है मैं तेरे गम में हूँ, दोनों की वेस्ट चली जाएगी जवानी, दोनों की वेस्ट चली जाएगी जवानी, मेरी बात वो सुने न सुने, तेरे जैसे जवान लड़के की बात वो जरूर सुनेगी। क्या क्या है, क्या चेक बाउंस हो गया क्या? भाई 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 भाई। दरवाजा खोलेगी ही नहीं प्यारे, मेरी बात सुन, दरवाजा खोलेगी ही नहीं प्यारे, फिर से मेरी बात सुन, दरवाजा सॉरी तेरे चुम्मू चुम्मू से। गाल है गुलगुल गब्बा, मीठी मीठी आवाज तेरी, ये चाशनी और मुरब्बा, मान गई जो बात तेरी तो हाय हो मेरे रब्बा, मान गई तो जो तू कहेगा करूंगा मैं, तुझे सब कुछ दे दूंगा मैं, मेरा जो कुछ है सब कुछ तेरा हो जाए। ये शेक्सपियर मेरी लाइन्स में राइम क्यों नहीं करता यार? अब भी शौक है, वापस आता हूँ साहब जी। अरे सुन तो सही। क्या कहेगा, कैसे कहेगा कुछ तो बता, वो समझ ले। ये खुला दरवाजा और ये खड़ी ओलिविया। ए बताना, ए सांग ना कसम मर्जी बोल की। साहब जी, मैं अपने घुटनों में बैठ जाऊंगा ओके, और आपकी लिखी हुई कविता सुनाऊंगा। सुना? अब वो 100 तरह से प्यार, 100 तरह से प्यार करता हूँ, 100 तरह से प्यार जताता हूँ, समंदर इश्क है मेरा, मैं प्यासा लौट आता हूँ, मेरी प्यास कम होती है न बेरुखी तेरी, कोई क्या चाहेगा तुझको जितना मैं तुझको चाहता हूँ, जितना मैं तुझको चाहता हूँ ओलिविया, जितना मैं तुझको चाहता हूँ, जितना मैं तुझको चाहता हूँ, जितना मैं तुझको सिजारियो। अगर इस तरह से बखान करे कोई मेरे प्यार का, जे साहब जा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता इनकार का, जे साहब जा, जा सिजारियो जा, मुझे मालूम है तू जरूर कुछ चक्कर चला के आएगा, जे साहब जा। शर्मा, और क्या नाटक देख रहा है, राजा के एग्जिट का बीच कौन बजाएगा? हलकट थैंक यू शर्मे, बस हो गया। एक वो है दरवाजा जो खुलता नहीं कभी, और एक ये है मेरा राजा जो सुनता नहीं कभी, मैं इसको चाहती हूँ वो उसको चाहता है, कोई रास्ता सुकून का दिखता नहीं अभी, रह के जो दूर रहिला, रह
भाईल ददिया ओ दर दिया ए हमरा के हो जवाब या दे दू तेरी छुट्टियों का रानी को मैं हिसाब ले लेगी जान वो तेरी अगर हो गया मूड खराब मरी अम्मा अरे तमाम मुंह में घी शक्कर ले लो जान तो खत्म हो सारे चक्कर मतलब अरे जान है तो जहान है आदमी परेशान है सो टेंशन है दुनिया में कभू मकान कभू दुकान ले लो जान तो ना सर्दी ना जखाम कौआ चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया तू बस चुटकुला सुनाया कर ए तुम काय हमें टाइप कास्ट करबे बतली हो है ए फूल सिंह तेरी आज जान नहीं गई ना तो नौकरी तो जाएगी जाएगी तेरी कुंडली में आज मौत पक्की है अरे अच्छे है ना यार कवारे मर जाए शादी हो गई तो चैन से मर भी नहीं पाएंगे और बाय गॉड आजकल मौसम इतना बढ़िया चल रहा है कि अगर नौकरी चली भी गई तो बोरिया बिस्तर लेके घूमने निकल जाएंगे घूमने निकल जाएंगे तो एक बात पे टिक सकता है कि नहीं जब आदमी को खड़े होवे के लाने दो टांगों की जरूरत होत है तो कोई एक बात पे कैसे टिक जाए भला ए फूल सिंह तू एक काम कर तू ना अपने पजामे में भी दो नाड़े लगा ले ठीक है जिस दिन एक टूट जाएगा उस दिन दूसरा काम आएगा हाँ। लेकिन जिस दिन दोनों टूट गए ना उस दिन पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा जे टोवी चाचा जो थोड़ा एक्स्ट्रा इम्प्रोवाइज कर गए अगर जे जे दारू पी वो छोड़ देना तो मरी अम्मा माय गॉड तुमसे ज्यादा मजाकिया औरत पूरी लीरिया में कोई है ही नहीं बकवास बनकर मैडम आ रही है बुला ले जो बहाना बनाना वरना तू गया काम से है मरी अम्मा यार रुको ना यार अकल वालों को तो अकल बचा नहीं पाए हो सका तो हमारे जैसे बेवकूफ को हमारी बेवकूफी बचा ले साइलेंस अलविया मैडम इज अराइविंग शॉर्टली सास गारी देवे ननद कासे कहूं मैं दर्दिया रामा मैडम 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 भगवान करे आपकी पांचों गलियां घी में और सर कढ़ाई में हो ऑल द टाइम इससे अच्छी कहावत नहीं आती तुझे बावले को निकल लो यहाँ से अच्छी कहावत मैडम को कभी समझ भी नहीं आती चलो निकालते हैं बावले को यहाँ से मैडम ओ हेलो बावला तू है तू तुझे निकालने की बात करी मैं हूँ अरे क्या दम मारती है मैडम मैडम आप मेरी शक्ल पे मत जाओ वो क्या है ना मुझमें जो अकल है वो मेरी शक्ल पे कभी दिखाई नहीं देती और वैसे भी मैडम शक्ल में क्या रखा मैडम 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 आपने कभी अपनी गुलाबी शक्ल आईने में देखी है लगता है ना जैसे कोई अकलमंद इंसान है तो मैं बेवकूफ हूँ चलो हाँ मैडम आप बेवकूफ हैं नहीं नहीं मैं अभी साबित करके दिखाता हूँ मैडम दो सवाल पूछूंगा बोला मंजूर पक्को पहला सवाल किसका गम
आपके दिल को लेड हुआ। हाँ, मेरे भाई की मौत का और किसका? हाँ, और दूसरा सवाल, क्या उसकी आत्मा नरक में है? बात मीस, वो स्वर्ग में है। छोड़ो, तेरे यहाँ से क्या कहते हो तुम? अरे मैडम, भाई की आत्मा स्वर्ग में है, फिर भी आप रोए जा रही हैं। साबित हो गए ना मैडम बेवकूफ निकाले। ए डोंट टच, ए मारा दोंदा झाला, निकालो निकालो, काय चाललंय नाटकात? आई बेग युअर पार्डन, कीप बेगिंग। क्या कहते हो? मैं बोलियो, इस बावले का दिमाग कभी ठिकाने आएगा कि नहीं? मैडम दिमाग होगा तब तो ठिकाने पे आएगा। यू नो व्हाट आई फील, आई तो फील जैसे जैसे इसकी एज होती जा रही है, योर डफर होता जा रहा है। नहीं बा बेटा, फील गुड फैक्टर, भगवान करे तुम जल्दी से बढ़ा जाओ और पगला जाओ मैडम। मैडम मैडम मैडम, आप इन सबसे पूछ लो, ये सब हमारी अकल की गारंटी ले लेंगे कि हम में नहीं है, लेकिन आप में अकल है इस बात की गारंटी कोई नहीं लेगा। कुछ भी है, लेप्रेशन को चिको सत्ता पकोच का बच्चिया। क्या क्या बच्चिया कर रहे हो? अरे जो दिल में है वो खुल के बोलो ना। आई एम स्पीचलेस। ओहो, बेतुकी की बातें कर रहा है। Unarticulated. Oh. You know, मुझे क्या लगता है, जिन लोगों के पास खुद अकल नहीं होती ना, वो ऐसे तीन चार उल्लू पाल लेते ताकि अपने से बड़ा उल्लू देख के खुद के मन को सोफेस्टिकेशन दे सके। अंग्रेज सेटिस्फेक्शन, यही एक्शन ले सके। वाह, जीनियस आदमी, कभी तो जिंदगी में हंसी मजाक कर लिया कर। तू ऐसे क्यों बिहेव करता है जैसे तुझे छोड़ के पूरी दुनिया का दिमाग खराब है? अब अगर कोई छोटू सा हंसी मजाक करने की कोशिश कर रहा है तो हासिल है। हाय मैडम, क्या कह दिया? नहीं हंसा जा रहा तो चुप करना, खुद था कहीं का। ऐसा लग रहा है सरस्वती जी खुद आपकी जबान पे बैठी हैं, तभी तो आप इतना ज्ञान दे रही हो। मैडम मैडम, दरवाजे पे एक जवान लड़का आया आपसे मिलने के लिए। आय हाय, अरसिनो के यहाँ से आया? हाय, पता नहीं, मैंने उसका आई कार्ड चेक नहीं किया। वेरी गुड, तो दरवाजे पे रोक देती ना, यहाँ क्यों आई हो? आपके टोबी चचा है ना, वो सब संभाल लेंगे। वाह, टोबी चचा, खुद को तो संभाल नहीं सकते, बाहर क्या संभालेंगे बताओ? मैं बोल रही हूँ, बस हो गया, पे टेंशन ना। ओके, अगर वो सीनों के यहाँ से आए तो कहना कि मैं घर पे नहीं, घर पे नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, कहना कि मैं बीमार हूँ। बीमार हूँ? नहीं नहीं नहीं, कहना कि मैं किधर भाग रही हो? इधर आओ मेरे पास। हाँ बेटा, इधर खड़े हो। आजा मेरे पास बच्चा। हाँ बेटा, खाली टाइम मिले ना तो कभी कभी ना, नहीं बहाने ढूंढ लिया करो। हाँ, निकले यहाँ से, खुदा कहीं का। मैडम, उस जवान लड़के ने तो कसम खा ली आपसे मिलने की। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैडम इज नॉट इन टाउन, वो कहता है मुझे पता है। मैंने कहा परहैप्स माय मिस्टेक, मैडम इज बाथिंग, तो कहता है मुझे पता है। पता है पता है, मैडम के बाथरूम में सीसीटीवी लगा है जो तू लाइव टेलीकास्ट देख रहा है। तो कहता है मैं सब कुछ मैडम को ही बताऊंगा। सीसी, वो कह देना मैं उससे नहीं मिलूंगी। आपको क्या लगा इतनी देर से मैं अचार डाल रहा था? वो कहता है ए, मैडम से मिले बिना नहीं जाऊंगा। काम डाउन काम डाउन, ब्रीद इन ब्रीद आउट। हाय, ऐसे बात कर रहा था वो? ऐसे ही बात कर रहा था, इतने गुस्से से? इससे भी ज्यादा गुस्से में। वो तो मैं ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रहा ना। ही इज सच अ सो स्टबर्न। छोड़ो, एक बात बताओ। यप यप, दिखने में कैसा है वो? जी दिखने में एक दो, जी दिखने में तो ओके ओके लगता है। ओह ओके ओके, एज भी ज्यादा नहीं है, नहीं मेरा मतलब कम भी नहीं है। जस्ट इमेजिन, एक दिन आपकी मूछ निकल आए तो आप कैसी लगो? आई अपोलोजाइज। बकवास बंद करो, भेजो से अंदर, बाकी सबको भी बुलाओ। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, नौकर कहीं के हैं? चलो रे।
रानी कौन है ये तो बता। मुझसे हो जाए ना देखो कोई खता, यहाँ रानी है कौन मुझे तो ये बता। मुझसे हो जाए ना देखो कोई खता, सवाल का जवाब तो मैंने तैयार ही नहीं किया। लेकिन जो तैयार किया वो सुनो। नहीं नहीं नहीं, लेकिन पहले ये तो बता कि आप लोगों में से रानी कौन है। ओए, एक्टर हो क्या? जी नहीं। हाँ, लेकिन एक तरह से हूँ भी, क्योंकि जो मैं हूँ वो नहीं हूँ और जो नहीं हूँ वो हूँ। अच्छा, तो फिर अगर मैं जो हूँ वो ही हूँ तो हूँ, नहीं हूँ तो तुम्हारी तरह हूँ, कि जो नहीं हूँ वो हूँ। अगर आप है तो बात सुनिए। हाँ? आपके पास कुछ है जो होना नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, होना तो चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास वो नहीं है तो आप किसी को कुछ दे नहीं सकती। ओ, दिल की बात कर रहा है। लेकिन है तो दे देना चाहिए। खैर, ये सब बातें मैं बाद में करूंगा, पहले आपकी तारीफ में दो लफ्ज तो कह दूं। देखो, मक्खन मत लगाओ, हैं? मुद्दे की बात पे आओ। अरे, बड़ी मेहनत से रटाई जी, और ऐसे तैयार किया जैसे मुशायरे में शायरी। ये कैसे हंसती है यार? अरे गजब। देखो इन्हें, मेरे घर में शायरों की कमी है, क्या तुम्हारी शायरी भी सुननी पड़ेगी मुझे? करा ली बेस्ती। बाहर इतना हंगामा मचाया हुआ था इसीलिए अंदर बुला लिया। अब कुछ कायदे की बात करनी है तो करो, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ, दरवाजा वहाँ है, खोल दूँ क्या? ए, खिड़की उधर है, खुद खोल और खुद ही कूद जा। मैडम, आपके इस रोड रोलर को साइड होने के लिए कहिए। देखो, जल्दी बताओ ना, क्या कहना है? अमन जी, लाया हूँ संदेशा मोहब्बत भरा है ये जिसके लिए उसे कह दूँ जरा। तो हंगामा इतना बड़ा क्यों किया है खड़ा? बाहर का लेटर बॉक्स क्या तुमको दिखाई ना पड़ा? जितना अजीब आदमी है ना, उतना ही अजीब संदेशा होगा इसका। हाँ, लेटर बॉक्स तो कब से भरा पड़ा है मैडम। हाँ, आपने न जाने कब से खोल के देखा ही नहीं। हाय हाय, एक प्यारा सा संदेशा है जो सिर्फ आपके कानों के लिए तैयार किया है। अच्छा जी। हाँ, तख लिया? अब पहले ही कट लिया मैडम। सॉरी। बोलो जी, क्या प्यारा सा संदेशा लाए हो? मेरी खमीज खरदरुस्त खुरनजीम मोहतरमा। बाजी वाले लड़के, बड़ा ही लखनवी अंदाज है। लिखने वाला इलीरिया का महाराज है। अच्छा जी। हाँ, कहाँ से लिख दिया सीनो जी ने ये सब? अपने दिल से लिखा है मैडम। दिल के किस कोने से लिख दिया बताओ? दिल के चारों कोनों से मैडम। देखो, ये बातें ना मैं हजार बार सुन चुकी हूँ, इनमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाओ यहाँ से। ठीक है, चला जाता। अरे,
लेकिन जाने से पहले एक बार अपनी शक्ल तो दिखा दीजिए। आए क्यों, मेरी मुंह दिखाई चल रही है यहाँ। दिखा दो ना प्लीज। रांझा है वो तेरा, उफो उसकी तू हीर है, मेरे राजा की हालत गंभीर है, मेरे राजा की हालत गंभीर है, मेरे राजा की हालत गंभीर है, मेरे राजा सानी। ओ हेलो। हो गई तारीफ। और कुछ कहना है? मैडम मैडम आप इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, अगर आप कुंवारी रह गई तो आपकी खूबसूरती आपके साथ ही निकल जाएगी, है कि नहीं? यस You're right. लेकिन मैडम आप कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, सच्चे प्यार को ठुकराना नहीं चाहिए मैडम। Yes. Oh, अरे ऐसे थोड़ी ना होते, मैंने कितनी बार बता दिया उनको कि उनके लिए वैसी वाली फीलिंग नहीं आ रही है दिल में। अब नहीं आ रही है फीलिंग तो नहीं आ रही है ना, एक बात बताओ, फीलिंग है कि कबूतर है कि दाना डाला और आ जाएगी है? अरे इतने बड़े आदमी हैं, पैसा है, जायदाद है, किस चीज की कमी है, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं बताओ? नहीं 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 मैडम, मैं उनकी जगह होता तो यही करता। क्या करते तुम? ठीक है, आपके खिड़की के सामने बैठ जाता मैडम, नए गाने लिखता, उन्हें धुनों में ढालता, सुबह और शाम लेकर आपका नाम हिला देता इलीरिया के ओलिविया। ओलिविया ओलिविया, अगर तुम होते ना तो शायद तुम्हारा चक्कर चल भी जाता। वैसे कहाँ से बिलोंग करते हो तुम? वैसे आई बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली मैडम। अच्छा, लेकिन आजकल पर्सनल लेवल पे थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ। ओहो, लेकिन कोई नहीं जी, अब भी जिनके साथ हूँ वो भी मेरी फैमिली है। अब राजा जी के साथ तो मेरे फैमिली रिलेशन ही हो गए ना। राजा जी से कहना कि उनके और मेरे बीच कोई रिलेशन नहीं हो सकता, और अब कोई संदेशा भेजने की भी जरूरत नहीं है। तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो। अरे उनका जवाब भी देने आ जाना। तब तक के लिए थोड़े से पैसे। ना समझो इसे कलेक्ट कॉल। तुम हसरत हो मेरे मालिक के, करो तुम भी मोहब्बत एक संग दिल से,
जो मारे ठोकरे तुम्हें ठीक है सही। खुदा हाफिज संग दिल परी। आई बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली, लेकिन पर्सनल लेवल पे डिस्टर्ब चल रहा हूं। यस, आई एम श्योर यू बिलोंग टू ए गुड फैमिली। कितनी मीठी मीठी बातें करता है ना, पर ये मुझे क्या हो रहा है? मैं तो किसी से प्यार नहीं कर सकती, आखिर मैं भी तो पर्सनल लेवल पे डिस्टर्ब चल रही हूं ना। पर ये दो नैना भी ना बड़ी अजीब चीज होते हैं, पता नहीं कब क्या पसंद आ जाए। हो काय को लगा ले गोरी नैना, हो कछु लेना ना देना। Malvolio? Coming soon, my magistrate. Just a minute. Malvolio? Yep. वो जो लड़का आया था ना अभी? Yep, yep. अरे वो अर्सिनो के यहाँ से? Yep. जबरदस्ती ना मेरे हाथ में ये अंगूठी दे गया है। चलो जाओ लौटाओ उसे, कहना कि राजा से कोई बकवास बात ना करे, राजा और मेरे बीच कोई रिलेशन नहीं हो सकता। वो लड़का फिर कल शायद वापस आएगा, भेज देना उसे मेरे पास, सब कुछ समझा दूंगी मैं उसे। मैं बोल रही हूँ, किसे बात कर रहे हो? Just hide and seek. अरे जाओ यहाँ से। Yep. अरे काय को लगा ले गोरी नैना, वो कछु लेना ना देना। काय को लगा ले गोरी नैना, कछु लेना ना देना। कछु लेना न देना, फर्स्ट एक्ट पूरा खत्म हो लिया। अब जाके सेबेस्टियन की फर्स्ट एंट्री आई है। वो जी शेक्सपियर ने नींद में लिखा पहले ही मेरा कैरेक्टर, चार लाइनें सेबेस्टियन की है, उखाड़ क्या लेगा एक्टर। ऊपर से कैंची लेके बैठा मेरा डायरेक्टर, कहता है जिब्रिश में कर दो पूरे का पूरा चैप्टर। कहता है जिब्रिश में कर दो पूरे का पूरा चैप्टर। तो सेबेस्टियन को पहले ही सीन में लगता है कि उसकी जन्म कुंडली में कोई गड़बड़ चल रही है, और मुझको भी है सेंस फीलिंग यहाँ पे एज एन एक्टर। मुझको भी है सेंस फीलिंग यहाँ पे एज एन एक्टर। पर आपको मेरी फीलिंग से क्या लेना देना, आप भी तो यहाँ शेक्सपियर देखने आए हैं। तो ठीक है, मैं सेबेस्टियन बन जाता हूँ और आपको शेक्सपियर सुनाता हूँ। तो सेबेस्टियन कहता है कि भटक गया हूँ मैं, ना कोई मंजिल है ना कोई रास्ते, और जिस दोस्त ने मेरी जान बचाई थी, माफ कर रहा अंकल जी, उसका रोल पूरा कट गया, इसलिए उसकी लाइनें मैं ले रहा हूँ। अपना भाई एंटोनियो कहने लगा, मुझे भी साथ ले लो ना तुम खुदा के वास्ते। मैंने कहा, तुम ही खुदा हो मेरे, तुमने बचाई मेरी जान है, और जान है तो जहान है, पर मेरी बहन के बिना मेरी दुनिया सुनसान है, और मेरे साथ चलने में तुम्हारा नुकसान ही नुकसान है। अब जो कुछ भी तुम्हें बताया है किसी से कुछ मत बोलियो। माय सीन इज डन, आ जाओ ए माल बोलियो। एक्सक्यूज मी छोटो 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 छोटो, देयर इज नो छोटो। पहले वायोला की एंट्री है, वायोला एंट्री। ए काले अंडे तेरी भी एंट्री है। एक्सक्यूज मी छोटू, होल्ड इट।
अरे होल्ड कैट, स्टॉप इट। अभी तुम थे ना ओलिविया मैडम के साथ? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? झल ले। माइंड योर लैंग्वेज। जबरदस्ती ये अंगूठी मैडम को पकड़ा है, वो तो मैडम का पर्सनल काम था, इसीलिए मैं आ गया। अदरवाइज मैं आता नहीं हूँ। और सुनो, तुम्हारे राजा और मैडम के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता। हाँ नहीं, जब तुम दोबारा मैडम से मिलने जाओगे ना, तो वो सब कुछ अच्छे से समझा देंगी। Now hold it. सामान पहले ही देख लेना चाहिए, वापसी का कोई चक्कर नहीं है। बनिए की तरह बात मत कर। Beggars can't be choosers. ये रखी है, लेनी है ले, वरना जिसको मिलेगी उसकी हो जाएगी। ए, तुझा इला, तुझा इसा घोस साल्या। आस्ता ला वास्ता। अल्लाह, मैंने तो मैडम को कोई अंगूठी दी नहीं, फिर ये क्या चक्कर है? कोई मैडम मेरे चक्कर में तो बड़ी 7 साल की कसमें खा रही थी, 7 मिनट में सारी फूंक निकल गई। और दिल का दरवाजा खुला भी ऐसे आदमी के लिए जो वाकई में है ही नहीं। अब राजा जी इसका, मैं राजा जी का, और ये लेगी मेरा नाम। हाय रब्बा, अब इस इश्क का क्या होगा अंजाम? अब लगन लगी की करिए, न जी सकिए न मर सकिए। इश्क बुलेनू न चावे यार, इश्क बुलेनू न चावे यार, ते नचना पैंदा हो जावे दीदार, ते नचना पैंदा हो जावे दीदार, ते नचना पैंदा हो जावे दीदार, ते नचना पैंदा। क्या है फूल सिंह, हमारा तो कोई काम बना ही नहीं आज तक। आज दिल खोल के गाइयो गाइयो। अरे एक बात बताओ, कमाल क्या गाता है हमारा फूल सिंह। कभी कभी तो लगता है कि इसके हलक में हाथ डाल के सारे सुर खींच के निकाल लूं। वो कल कौन सा गाना गाया था तुमने? शनि देव के डोर के भाग जोगी रा 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 रा। दादा, काके बताओ। छे छिंग नहीं ना, हम गाएगा। पंडित जी सुर दीजिए। शनि देव के डोर के भाग जोगी रा 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 रा। जन्म कुंडली में लग गई आग जोगी राश। ये क्या गा दिया आपने? और वो जो अलाप ले लिया ना बीच में से, वो तो बेचारा वापस ही नहीं आया। अच्छा वो सब छोड़, कल जो तुझे पैसा दिया था हमने तड़ा गर्लफ्रेंड के लिए, उसका क्या किया? अरे सर जी, ऐसा है कि डायन को दामाद प्यारो, डूबत को तिनका को सहारो, मालवोलियों की नाक पकड़कर ऐसा हंटर मारो कि हमारी डार्लिंग को हाथ सफेद होकर उसारो। कल बाजार में एक सिपाही मिलो थो, दारू की दुकान ढूंढ रहो थो बेचारो, बोलो जगीरा शरारो एंड्रू। दादा कुछ समझ में आया नहीं,
लेकिन हमारे फूल सिंह का बेतु की बातों में कोई जवाब ही नहीं है। फूल सिंह तू ये ले। अरे वहाँ लुंगी में कुछ नहीं मिलेगा। ये ले फूल सिंह। अगला एक एक गाना सुना दे कड़क सा। कड़क सा गाना लो अभी लो यार। अभी ले लो। यार एक बात बताओ या लव सॉन्ग टाइप का गाना है कि सूफी सॉन्ग टाइप का? सूफी तो दो पैग मार के हो ही जाता है आदमी। तू लव सॉन्ग टाइप का सुना यार। हाँ फूल सिंह लव की बड़ी कमी है जिंदगी में। दादा बोलो जगह बनाओ। मजा तो गीत संगीत और म्यूजिक के साथ ही आता है। हाँ, फूल सिंह आई थैंक माहौल बन गया। अच्छा? ऐसा कर एक सूफी गाना भी सुना दे। होगा मैं सुना दे। ऐसा ला यार लूट लो मुझे दे दो। चलो बड़े खुश लग रहे हो लूट के। सूफी सूफी इधर इधर हाँ इधर थोड़े से इधर। कबीरा जब आए जगत में। हाँ हाँ देन जागा हंसा हमारो ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। ओ मेरी करनी क्या क्या कर गई रे आया खाली हाथ तो मेरी झोली भर गई रे। मेरी करनी क्या क्या कर गई रे आया खाली हाथ तो मेरी झोली भर गई रे। झोली भर गई रे मेरी झोली भर गई रे। ओ झोली भर गई रे मेरी झोली भर गई रे। ओ मेरी करनी क्या क्या कर गई क्या कमाल का गाता है यार फूल सिंह। पुराने जमाने में क्या गाने थे यार और लिरिक्स एकदम गजब। आजकल के गाने भी कोई गाने हैं बेअदब। सिजारियो जी जी साहब जी सिजारियो जी साहब जी ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में मेरा पूरा फोकस हिला पड़ा है। उसकी फोटो जैसे दिमाग में छप गई है। बड़ी बड़ी लव स्टोरीज में नहीं होता होगा ऐसा कांड मेरे साथ हो रखा है। ओए छोड़ यार हम लोग जितनी उसकी बातें करते हैं उतनी ही उसकी याद सताती है। जी साहब जी
जब तेरा दिल किसी पे आ जाए और तुझे अंदर से खालीपन सा महसूस हो और तेरे सर पे इश्क सवार हो, तब मुझे याद करियो जिगरी, मुझे याद करियो। ता ना 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 ता ना 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 ता ना ना। कैसे लगा तुझे गाना? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा साहब जी। ऐसा लगा अंदर का लवर बाहर आ जाएगा। क्या कड़क जवाब देता है यार तू। जारी हो जी साहब जी। तू फंसा है कभी किसी के जाल में? फंसते रह गए साहब जी। ओए होए, कौन है वो शिकारन? दिखने में कैसी है? होठ है उसके चुम्मू चुम्मू से आपके जैसे। बाल है गुलगुल गब्बा आपके जैसे। मीठी मीठी आवाज है उसकी मेरे जैसी। मोर और लेस। मोर और लेस? कोई बहरू भी आए क्या? सब कुछ मेरे जैसा कैसे? उम्र भी आप जितनी है साहब जी। ये कैसे शौक पाल के रखे तूने? मेरी उम्र के औरतों के बच्चे होते तेरी उम्र के। मेरी मान, अपने से कम उम्र की लड़की के साथ सेटिंग कर दे और हमारा हिसाब किताब तो तुझे पता ही है। हम लोग हाथ किसी और का पकड़ते हैं और नजर किसी और पर। जाओ सिजेरियो, जाओ संदेशा लेके प्यार का। अरे हाल तू बता दे दिले बेकरार का। ये दौलत ये दुनिया सब बेकार की चीजें हैं, एक चीज काम की है, चेहरा मेरे यार का। दरवाजा खोलेगी ही नहीं। इसका रिकॉर्ड अटक गया है क्या? दरवाजा जो ना खोले तो बेल बजाना। नहीं, प्लान कैंसिल है, अब जाके दीवारी गिरा देना माहिला। जारी हो जी साहब जी। कुछ तो कर यार। जी साहब जी। अरे जी का है, कुछ तो कर जुगाड़। जुगाड़ कैसे तोड़ दूँ मन की जो है दीवार? साहब जी जरा सोचो, एक लड़की ने आपका दिल दुखाया है तो सारी दुनिया को मत ठुकराइए। अगर नहीं बन पा रही है उससे बात तो कैंसिल कर दीजिए आइडिया, किसी और से दिल लगाइए। नी 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 नी। नैना चार करने जी, आहे वाहे भरने जी, आए कितने मरने जी और गुजर गए। वो जी कितना मजा है इश्क और प्यार में। कब से खड़ी हूँ आप? आई सको खड़ी खड़ी। मैं कब से खड़ा? मैं कब से खड़ा हूँ आपके सामने? कोई काम बताना था आपने? ओए काम कोई नया थोड़ी यार, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी। अब ये मरु दे जाए। इसमें से कौन सा अच्छा है? इसमें ये ओके, ये ज्वेलरी देना उसे और कहना बड़ी याद आ रही है। दरवाजा जो ना खोल, और सीनो बी पॉजिटिव यार। खोलेगी दरवाजा, जरूर खोलेगी जी साहब जी। ऑल द बेस्ट जी साहब जी।
दस मिनट का इंटरवल है। घर लड़का भय और धर मूड़न के साथ साथ और जल की मछली जा कहे मोर जी को उपजो काल काल हर जो नर मछली खात है मुंडी पूछ समेत अरे वो बैकुंठ जात है नाती पूत समेत क्या बात है अरे के ढिमरा की ने मेक दो जाल फंस गई जल मछली अरे ढिमरा की ने मेक दो जाल फंस गई जल मछली अरे मोड़ा मोड़ी के खुल गए वहाँ टूट लई जल मछली इस टू मच अगर मैं ना हूँ तो मैडम की टेक केयर करने वाला कोई है नहीं रो रो के बिस्तर गीला कर दिया है जस्ट चेंज दी बेडशीट कोई बाहर का आदमी गीला बिस्तर देखेगा तो क्या क्या सोचेगा ओ माय डियर डेस्टिनी तेरे खेल हैं बड़े कमाल एक लगा दे लॉटरी हो जाऊं मैं माला माल कहते हैं नौकर घर के मैडम पिता है मुझ पे बना देना राजा ओ डेस्टिनी हो जाऊं मैं निहार देख लिया देख लिया ठीक है यूरियस Looks like a letter. फंस गया ढिमरा की ने मेक दो जाल फंस गई जल मछली अरे मोड़ा मोड़ी के खुल गए भाग टूट लई जल मछली ये तो मैडम की राइटिंग है बिल्कुल वही या और बिल्कुल वही ना ये मेरे आशिक के खातिर जो मेरी मोहब्बत से अनजान है 104.5% ही मैडम की जबान है उन्हीं का लेटर हेड भी किसे लिख दिया मैडम ने लेटर मेरे दिल में जो बसा है खुदा जानता है वो नाम और शक हो गया किसी को तो हो जाऊंगी मैं बदनाम अगर रानी को नौकर से प्यार हो जाए तो बदनाम तो वो हो ही जाएगी इशारा तो तेरी तरफ है मैल बोलियो है डैम इट डैम इट डैम इट जिसका हुक्म मुझे सुनना चाहिए उसी पर हुक्म चलाती हूँ हुक्म तो सारे वो मुझ पे चलाती है तो एक तरीके से देखे तो बात तो क्लियर हो जाती है काम डाउन ब्रीदिन ब्रीदाउ आगे कुछ गद्य में भी लिखा हुआ है किस्मत खुद आई है तुम्हारे घर दरवाजा खटखटाने दरवाजा खोलो और उसे गले लगाओ अपना लाइफस्टाइल एकदम चेंज करो नौकरों से जरा बदतमीजी से पेश आओ और हाँ पीली जुराबे में भीषण सुंदर लगता है और तुम्हारी फटी जींस की पैंट मेरी जान लिए जाती है अगर तुम मेरा हाथ थाम लो तो फिर मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं तुम्हारी जिंदगी बदलने को बेताब तुम्हारी प्यारी बूझो तो जाने बूझना क्या है मैडम एवरीथिंग इज नीट एंड क्लियर आप जो बोलेंगी आई विल श्योरली डू मैं भी हाई क्लास वालों की तरह सब सीख जाऊंगा मोटी मोटी किताबें पढ़ूंगा अंकल टोबी को धमकाऊंगा अरे भैया लौटन ना पाए बाजार से भैया लौटन ना पाए बाजार से खरबोजी खा गई मछलियां बाजार पे खरबोजी खा गई मछलियां बाजार पे अरे कढ़मरा कीने मेक दो जाल फंस गई जल मछली अरे मोरा मोड़ी के खुल गए टूट लई जल मछली कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ नो 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 इट्स अ ट्रू लव स्टोरी और रही बात फटी जींस की तो मैडम आपके लिए मैं कुर्ता बनियान पैंट मोजे मफलर चड्डी रुमाल स्वेटर कोट टाई और घर की रजाई तक फाड़ दूंगा आप कहेंगी तो फटीचर ही बन जाऊंगा मैडम चाहती है मैं सदा मुस्कुराऊं ओ माय गुडनेस ग्रेशियस मी अब तो मैं सोते हुए भी मुस्कुराऊंगा और मैडम आपको कुत्ते पसंद है ना तो मैं जब भी आपसे मिलूंगा आपका पिल्लू बन जाऊंगा वाह मरिया वाह कमाल कर दिया तूने चलो क्या ले
ऑर्डर लिखा है। क्या फंसाया है मालवोलियों को, मजा आ गया कसम से। खेल का असली मजा देखना है तो थोड़ा और इंतजार करो। जब पीली जुराबे पहनकर मैडम से मिलने जाएगा तो कमरे में घुसते ही जूते खाएगा और टेंशन में बैठी होंगी वो, ये वहां जाकर मुस्कुराएगा। देखना है तो आ जाओ, बड़ा मजा आएगा। एंड ऑलवेज फॉलो मी। जी कबीरा माला काठ की कहे समझावे तो है, मन्ना पिरवा अपना कहा फिरावे मोहे। माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, काकर मन का छोड़ दे मन का, मन का फेर। भगवान ने क्या आवाज बख्शे तुम्हें, इसी की खाते हो क्या? हम तो खुदा के बंदा है बाबूजी, अपनी मौज के लाने गाते और पैसों को का करे, खाना तो हम मंदिर में खाते। अच्छा पंडित हो? मंदिर के पास रहते। और मंदिर कहाँ है? अरे बताई ना, हमारे घर के पास है। और घर कहाँ है? अरे बताई ना, मंदिर के पास है। अरे दोनों का है मेरे भाई, आस पास है मेरे भाई। जय हो जय हो। ये लो एक रुपया। ओलिविया मैडम अंदर है क्या? अरे जल्दी है अंदर जाने की। अरे बाबू जी, अच्छा एक बात बताओ, अगर इस एक रुपया को अठन्नी से मोहब्बत हो जाए और दोनों जम के प्यार करें और छोटी छोटी चवन्नियां पैदा करें और चवन्नियों को बटोर कर हम अमीर बन जाए तो कितना मजा आएगा ना। अरे बाबू जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैडम को बुला रहे हैं। नए एक रुपए में आदमी क्या खा लेगा और क्या बचा लेगा? अच्छा तो ये बात है, तो एक और ले और ऐश कर। अरे मैडम से आपका नाम और पता क्या बताए? आप कह रहे ना उनसे कि उनसे मिल। हेलो जी, खुदा आपकी हर हसरत पूरी करे मोहतरमा। वाह वाह वाह, देख रहे हैं लौंडा खुदा में क्या नुक्ता लगा रहा है। एंड्रू बैठ, क्या सीन चल रहा है? हमारा क्या होगा? थोड़ी प्राइवेट में बात करनी थी, अकेले में आ जाइए। अरे कभी हमसे भी प्राइवेट में मिल लो, हम में कांटे लगे हैं क्या? एंड्रू एगुची, ये बी प्रोफेशनल। सॉरी। प्राइवेट हो? सॉरी। इतनी मिलाओगे मुझसे? मैडम हमें लगा आपके खूबसूरत हाथ हमारे हाथों से मैले हो जाएंगे। आए हाय। नाम क्या है तुम्हारा? जी गुलाम को गुलाम। सॉरी सॉरी सॉरी, गुलाम तो तुम अरसीनो के हो, मेरे तो नहीं हो। मैडम जी अरसीनो साहब आपके मोहब्बत के गुलाम, हम उनके गुलाम, तो आपके गुलाम के गुलाम आपके गुलाम हो गए ना। इन बोरिंग सी बातों से मुझे मत पकाओ। और कोई लव स्टोरी आती है तो सुनाओ ना।
एक ही है छोड़ो नाम क्या है बताओ जी सिजारियो सिजारियो नहीं मैडम सिजारियो सिजारियो ये ला मैडम जा 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 सिजारियो चंद्र नैन कजरारे मुख चंद्र नैन कजरारे हुई मधुर सांझ पियारे मुख चंद्र नैन कजरारे यमन पल जो बिताए तेरे संग जो बिताए तेरे संग में मन में बसे हैं पल जो बिताए तेरे संग में मन में बसे हैं बोल वो तेरे मीठे मीठे गीत बने बीते अब पिया कुछ भी ना कुछ भी ना भाए मेरा प्रेम राग अब गा रे मेरा प्रेम राग अब गाए हुई मधुर सांझ पिया रे मुख चंद्र नैन गजरा रे मन में आए ना खुल के गा दो मेरे लिए अरे मैडम गाना नहीं आ रहा है तोरा सा रहा है हाय तोरा सा रहा है उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्यार भी तो आ रहा होगा ना नहीं मतलब अब वैसी वाली फीलिंग नहीं आ रही तो नहीं आ रही है वो फीलिंग है कि कबूतर है कि दाना डाल दे और आ गई नहीं नहीं आ रही है फीलिंग नहीं वो गाना अच्छा नहीं था क्या नहीं बहुत अच्छा था मुखे तुम्हारा नहीं वैसे भी मेरे कहने से कहां आने वाली है फीलिंग मेरा प्यार अधूरा रह गया सिजारियो जा जा वो लड़की कितनी लकी होगी जिसे तुम्हारा प्यार मिलेगा लड़के नहीं यार बोले अब मुझे रुला के ही जाओगी क्या दरवाजा वहां है जाओ ओके मैडम प्लीज टेक केयर सॉरी सुन
जाने से पहले ये तो बता दे कैसे लगेगी हम दोनों की जोड़ी। आई लव मैडम, मुझे कभी कभी लगता है ना आप जो है वो है ही नहीं। हाय, तुझे भी देख के ना ऐसी फील होता है मुझे। हाँ मैडम, जो मैं हूँ वो नहीं हूँ। काश तुम मेरे होते, फिर तुम जैसे भी होते ना मुझे कोई परवाह नहीं। अरे मैडम, अगर आपका हो पाता तो हो जाता ना, कोई प्रॉब्लम होगा ना जो नहीं हो रहा हूँ। अरे आप इतना सुंदर दिखती है, इतना अच्छा गाती है, कोई पागल ही होगा जो आपके प्यार को इनकार करे। मेरा अपने साहेब जी का दुखड़ा लेके कभी नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। हो सके तो आ जाना, क्या पता शायद तुम्हारे साहेब की पसंद तुम्हारी पसंद बन जाए। प्लीज आ जाना, आखिर तुम ही तो मेरे साहेब हो ना। सच्चिया ज्योता वाली मैया तेरी सदाई जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल शेख पीर बाबा की जय। बच्ची ओलिविया नू ले बैठे सी जेरियो दा प्यार, कंपनी जगराता मंडली दे टैलेंट हंट कलाकार। सस्री अकाल। पिल्लू डेंजरस पेश करन जा रहे ने मेरे साहिबा। पिल्लू कहंदा मैया आ आ प्लीज आ मेरे साहेबा। क्या पेन पकड़ी है बिल्लू जी। मैं तेरे हो मुकिया। मुकिया जिन्हानू मेरी मैया ने दो हाथ दिते ने, हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर ले। मेरे साहेबा मैं तेरे हो मुकिया। साहेबा मैं तेरे हो मुकिया। मनो ना वसारी मैनू मेरे साहेबा। मां दी तीन बच्चियां दी झाकी तुहाडे सामने, दुर्गा लक्ष्मी ते अपनी करोल बाग वाली सरस्वती। मनो ना वसारी मैनू मेरे साहेबा। हर पलड़ों में मैं चुकियां चुकियां। मेरे साहेबा मैं तेरे हो मुकियां। मेरे साहेबा मैं तेरे हो मुकियां। क्लोजअप उन्होंने सारा याद ऐसे कर लेना है, उन्होंने घर भी जाना यार। आखरी जिन्होंने साढ़े कलाकारा दी हौसला अफजाई वास्ते 1,000, 10,00,000, 50,00,000 देने हैं, वो सानू मनी आर्डर कर सकते ने। हसी जा रहे हो, उम्मीद बिल्कुल नहीं लग रही। बोल जयकार महामाईदा, इसको रोल देंगे लेकिन पहले थिएटर में ढोल की बजानी पड़ती है। दादा लोग, ओए हमारा हावड़ा स्टेशन का टिकट कटा दो, हम एखाने थकते पारबो ना, हम जा रहा है यहाँ से। क्या हो गया एंड्रयू यंग मैन? हाँ हो गया, लकड़ियां हमारी लग रही है। आग कोई और सेक के जा रहा है। स्पार्क के मेंटेनेंस का पूरा खर्चा मैं देता हूँ।
उस पार्क में इसकी बत्ती जी उस लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी और आप देखते रह गए। आप मुझे पहले ये बताओ कि मेरे भतीजी ने पार्क में आपको देखा या नहीं देखा? अगर नहीं देखा होता तो कोई बात नहीं थी टॉबी, देखकर इग्नोर मार गई। ओह नहीं नहीं रोना नहीं रोना नहीं नहीं। अरे मेरी भतीजी आपको हिंट दे रही थी, आपको लाइन दे रही थी, समझ में नहीं आई आपके बात? आपको तो कुछ समझ नहीं आता, आप लोग को समझ में आता है ना? आपको आता है? चेहरा गौर से देखो, इस पर कहीं गधा लिखा हुआ है क्या सर? देखो। नहीं लिखा तो नहीं हुआ है लेकिन ओहो। अरे एंड्रयू दादा, मेरी भतीजी ने पार्क में जो भी किया वो आपको जलाने के लिए किया, वो ये देखना चाहती थी कि आप क्या करोगे। अरे वहीं जाके राजा के लड़के को दो थप्पड़ मारते आप, आपकी सेटिंग वही हो जानी थी पार्क में। मेरी भतीजी वही पंडित को बुला के टेंट लगवा के शादी कर लेगी आपसे। ये तो बहुत अच्छा बताया आपने, वो राजा का नौकर सिजारियों का ही दिखाई देना। हाँ। हमको डाकना, हमको बुलाना, हम उसका माछेर झोल बना देगा। हाँ ये माँ माँ ये, तब तक आप ये मोटी मोटी माँ बहन की गालियों की एक लंबी सी लिस्ट बना लो। हाँ। जैसे ही राजा का लड़का दिखाई पड़े बरस पड़ना उस पे। दिखाए मोटी मोटी माँ बहन, मोटी मोटी माँ बहन, मोटी मोटी माँ बहन। भाई और बहनों, ये एंड्रयू दादा जो है ये बॉडी से बेडॉल है और बातों से बकलौल है। इन्होंने आज तक एक मक्खी नहीं मारी, राजा के लड़के की पिटाई किया, ये खाक करेंगे हैं? अरे एंड्रयू बिडोल है तो सिजोरियल कौन सा डोले शोले बनाए हुए हैं? यार तू हर बार ऑडियंस इंटरेक्शन के बीच में क्यों बोलता है? चंपा गई रे। ए मेरी बुलबुल कहाँ जा रही है, इधर तो आ। अब पूरी बात बता। खेल शुरू होने वाला है, हसन के पेट फट जाएगा। अब बाद में जाना, पहले पूरी बात बता ले। माल वाले हो गए, माल वाले हो घुर्जी जिलचा, पागल हो गया। आगे आगे। कभी पीली जुराबे पहन लेता है तो कभी गाना गाता है, कभी आईने में तरह तरह की शक्लें बनाता है। आगे आगे बताओ। मैडम तो जूते से मारेंगी उसे। ओए मारिया गो राउंड, फॉलो मी। ओए आ गया। दिल पे हाथ रख के बता दो मैडम, ये वाला रोल मैं नहीं कर सकता था। नहीं नहीं वो गोभी वाला नहीं, वो टोबी वाला। हो जी वैसे तो कोई बुरा नहीं हूँ मैं भी यारो एक्टर, कॉमेडी प्ले है, ट्रेजिक रोल है, कंफ्यूज है मेरा कैरेक्टर, ऊपर से कैंची लेके बैठा मेरा। डायरेक्टर के बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे, पता लगे बचा खुचा रोल भी कट जाए। अच्छा जी, इतने सारे कैमरों के सामने एक्टिंग करने को मिल रहा है बैक स्टेज की बजाय, वरना कितने सालों से पिला रहा हूँ डायरेक्टरों को बीड़ी और चाय। थैंक यू इन्होंने पहचाना है टैलेंट। लेकिन ये शेक्सपियर ने सेबेस्टियन का रोल लिखा क्या है? लास्ट के भी एंड में जाके एक टुच्ची सी एंट्री है भाई साहब, वरना पूरे नाटक में फोटो दिखा के काम चल जाए। एक्टर की जरूरत क्या है आपको पता है? मंडली में मुझे इन्होंने एज एन एक्टर लिया था, एज एन एक्टर, पर पूरे नाटक का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करवाया मेरे से। और ये ट्रांसलेटर की जॉब माँ कसम इतनी थैंकलेस जॉब है, कमर का कुक्कड़ बन गया लिखते लिखते, पैर की नस चढ़ गई और कोई आके पूछ भी नहीं रहा कि बंटी तेरा क्या हाल है। मैं लिख लिख के लाइनें सुना रहा हूं तो कह रहे हैं वाह शेक्सपियर कमाल है। अबे तो शेक्सपियर कर लेते अंग्रेजी में, दौ करते रहते माँ कसम मंडली के जबड़े दुख जाते। पता नहीं मैं आपको ये पर्सनल प्रॉब्लम्स क्यों बता रहा हूं, आप भी तो यहाँ शेक्सपियर देखने आए ना,
ठीक है, वो डरा दिया यार। तो मैं सेबेस्टियन बन जाता हूँ और आपको शेक्सपियर सुनाता हूँ। तो पिछले सीन में जिस दोस्त ने जान बचाई थी मेरी, जिसका रोल पूरा कट गया, जिसकी लाइनें मैं ले रहा हूँ अपना भाई एंटोनियो, उससे कहा मैंने, भाई बोर हो रहा हूँ, कहीं घूमने चलेगा? तो कहने लगा, नहीं नहीं मैं लीरिया में घूमने नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, क्यों, क्या हो गया, घर बैठ के अंडे देने हैं? कहने लगा, नहीं नहीं मैंने राजा और सीनों के जहाज को टक्कर मार के उसका सब कुछ लूट लिया था, अब मार्केट में निकलूंगा तो पकड़ा नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, यार टोनी तू दिखने में तो लगता है इतना भोला भाला, तूने राजा के गुंडों को कैसे मार डाला? कुछ बोला ही नहीं पर चला गया। मैंने कहा, सुन बे मेरे बारे में किसी को कुछ मत बोलियो। माय सीन इज ओवर, आ जाओ भाई माल बोलियो। Where do we go? आपने याद किया मैडम? मैडम अबे चंपू तेरा सीन नहीं है। मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुखिया, मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुखिया। क्या करूं मैं, क्या कहूं उसे कि उसे मेरे हाल पे तारस आ जाए, बताओ। आप ना किसी अच्छे राइटर से बात कर लो। मेरा रोल करेगा? अरे वाह, ये मैं क्या कर रही हूँ, किसी ने मेरी बातें सुन ली तो मैलवोलियो। आपने याद किया मैडम? मैलवोलियो, तुम तो बड़े खुश लग रहे हो, मुझे तो तुम्हारे साथ सीरियस बात करनी थी। मुझे भी मैडम सीरियसली आपसे इस खुशी के बारे में बात करनी थी। हुआ क्या ना मैडम, येलो सॉक्स मेरे साइज के नहीं मिले तो मैंने छोटे बच्चों वाली पीली जुराबे पहन ली। अब कुछ जगह से इतनी टाइट है तो मुझे लग रहा है मेरा पैर किसी कुत्ते के मुंह में है। वो कुत्ते से याद आया? बोलियो, फूल सिंह की आत्मा तुम्हारे अंदर घुस गई है क्या? मैडम ये तो कुछ भी नहीं, चिट्ठी जब समझ में आई तो दिखने लगे सरसों के पीले पीले खेत, पीली हो गई सारे समंदर की रेत, और एक पल के लिए मुझे लगा मुझे पीलिया ही हो गया है। मारिया तरह डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, गौर फरमाइएगा, अपने इश्क के मरीज को ना दिल से भुला देना, दर्द दिया है तुमने तो तुम ही दवा देना। क्या बके जा रहे हो? चलिए मैडम मैं गा के ही सुना देता हूँ। गा के? गुरुजी देना जरा काली ताल। वाह वाह वाह। ओम मेरी फटी, मेरी फटी, कोमल सुर ओनली फॉर यू। ओम मेरी फटी जींस की पेंट, ओ गुच्ची का है डोडोरेंट। पप्पू सुर दे। मेरी फटी जींस की पेंट, गुच्ची का है डोडोरेंट, मेरा जीवन खुली किताब, ना सिगरेट ना कोई शराब, देखो पीली मेरी जुराब, येलो मैडम हेलो मैडम, वो देखो पीली मेरी जुराब, जिसका कोई नहीं जवाब, मेरे बड़े बड़े है खाब, बन जाऊं मैं तेरा नवाब। पर एक बात की सॉरी, सॉरी
पर एक बात की सॉरी मेरा गोगल हो गया चोरी, एक बात की सॉरी मेरा गोगल हो गया चोरी। सुन रही है ना छोरी? ओ मेरा गोगल हो गया चोरी, आई एम वेरी 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 सॉरी। ओ इसका गोगल हो गया चोरी, वेरी 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 सॉरी। इसका गोगल हो गया चोरी। चलो जी हरपो, चलो। हाय राम। पहले ऐसे ही मजाक उड़ाया जाता है, जिस दिन मेरी काया पलटेगी ना, और क्या पलटनी, उस दिन तुम लोगों के तोते उड़ जाएंगे। I will show my true colors. अरे ट्रू कलर वाले नहीं, you are already very colorful. अरे टोबी, टोबी, आ इधर है। फिर आ गया ये। वो राजा का नौकर सिजारियो इसी तरह मारा। अब मैं करूं क्या? क्या करूं? करना क्या है एंड्रयू दादा, निकालो अपनी तलवार और डट जाओ मैदान में। हाँ लेकिन ये ज्यादा देर तक तलवार उठा नहीं पाएंगे, तो तलवार नीचे रख देना और मोटी मोटी माँ बहन की गालियां देना शुरू कर देना। गालियां बड़े काम की चीज होती है भाई साहब, थोड़े में ज्यादा बात हो जाती है। माँ बहन की गालियों को सेंटेंस में एक्सप्लेन करके दिखाओ, कितना लंबा हो जाएगा और मतलब भी किसी को समझ में नहीं आएगा। ठीक है टॉबी, हम तैयार हैं। फॉलो मी। इधर है सिजारियो। ए सिजारियो को देखो आपने, इधर है सिजारियो। ए साला सिजारियो। गालियो भैया, आपको कैसे पता कि आपको हमारी मैडम ने बुलाया है कि नहीं बुलाया है? कौन है तू, क्यों मेरा सर खाए जा रहा? ना जान ना पहचान है? ना जान ना पहचान, ये हमें जानता ही नहीं है, हमें मैडम ने तो भेजा ही नहीं है। हद तुम ये भी क्या हो कि तुम सिजारियो नैया? हम सिजारियो नैया, हम सेबेस्टियन हैया। हाँ बेटा, जे धरती नैया, जे आकाश नैया, जे उंगली नैया, जे नाक नैया। बेटा एक काम करो, अपने घर जाओ और अपनी अम्मा से कहियो कि अम्मा तुम हमारी अम्मा नहीं है, हम तुम्हारे बेटा नहीं है, और जो हमारा घर ही नहीं है। बंद कर अपनी बकबक और निकले यहाँ से। ए बंद कर अपनी बकबक। मैडम कैसे बात कर रहा है यार ये? ऐसे बात कर रहा जैसे कोई राजा अपनी नौकर से बात कर। ए भगवान, इतना घमंड, इतना घमंड आदमी को कहाँ ले जाएगा। अच्छा जी बताओ, हम मैडम से जाके क्या बक बक करें? कह दे कि तुम आए हो। तू पागल है, भिखारी है कौन तू है? एक रुपए ले और दफा हो जाए यहाँ से। अरे बाप रे, कितना मजा आए ना कि हम इन्हें घड़ी घड़ी ऐसे तंग करते जाएं, और जे घड़ी घड़ी गुस्से में आके सही हमारे मुंह पे एक एक रुपया मारते जाएं। भाई साहब 14-15 साल ही सही, हम करोड़पति तो बन जाएंगे। करोड़पति एग्जिट ना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। कितना ए, होते हैं यहाँ छुपा बैठा हुआ है तू? यहाँ कोई पागल खाना है क्या आसपास? एक के बाद एक चला आता है करते हुए बकवास। बकवास मैं कर रहा हूँ बकवास? मेरी ओलिविया को मुझसे छीन लिया, बोल रहा मैं कर रहा हूँ बकवास, तेरी तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। अरे ये मंडली वाले तुझे सबक सिखाएंगे। तूने छीन
छीन लिया है ओलिविया को मुझसे, तूने छीन लिया है ओलिविया को मुझसे 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 और छीना है वो जो तेरा नहीं है, तेरा नहीं है और मजा न चखाया जो तुझको सीजारियो, तो सर एंड्रू एगुची के नाम मेरा नहीं है, कौन है भाई और कौन सी ये गंदी दारू तूने है चढ़ाई, तूने है चढ़ाई, और नाम क्या बताया अपना, एंड्रू एगुचीपा, एंड्रू एगुचीका, चीपा चीका पापा बताना काका जी तो चाची पूजा क्या बात है, ये जा चाची ना मेरा तो चाची पूजा, ये जा चाची ना मेरा वरना मचा दूंगा मैं यहीं पे तबाही, अरे चुप आज न मुझसे पंगा लेना, 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 वरना घर नहीं जाएगा, आज न मुझसे भेजा, तुम दोनों कव्वाल बने घूम रहे हो हैं? स्टेशन को क्या तोड़ दिया? आजा कबड्डी खेल मेरे साथ। हाँ कबड्डी। आप शेक्सपियर को फोन लगा के पूछ लो, मैं सिजारियो नहीं हूँ यार। तू शेक्सपियर को फोन लगा के पूछ ले, मैं भी सिजारियो नहीं हूँ यार। लेकिन कबड्डी खेलने में क्या जाता है यार? वही तो। तू अकेला ही खेलेगा? दो
बार तू बोल दो बार मैं बोलूंगा। कबड्डी 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 इधर आ जा, आगे आ जा, खुले मैदान में कबड्डी 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 कबड्डी, पीछे नहीं देखना। कबड्डी 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 कबड्डी, हाँ अब झुक जा, वो मारेगा। डायरेक्टली बोल दिया मैंने, जल्दी 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 ऐसे नहीं करते। अरे আমি তোমাকে ভালোবাসি। নিচিয়ে নিকল আসে। একলা চলো রে। নিকল আসে। পিয়ক্কড় কইকে। সরি। मैं इनकी तरफ से माफी चाहती हूँ सिजारियो। मैं भी इनकी वजह से ना बड़ी परेशान हूँ। आजा आजा ना, चल कार चल। एक बार गले लग जा, सारे गम दूर हो जाएंगे, प्रॉमिस।
प्याला पिया जाए ना, पिया जाए भी तो पिया जाए ना, पिया बाजे प्याला ना। जॉलीविया के अंडर काम करते हो? कैसी बात कर रहे, अंदर नहीं साथ में काम करते हैं। ये ले एक रुपया। अगर साहेब, अगर इनाम की वजह से नहीं है कि हम दोगले आदमी हैं, तो एक और दे दो तो हो जाएंगे। ये देख, तुझे और पैसे मैं नहीं दूंगा, लेकिन अगर तू तेरी मालकिन से मुझे मिलवा दे तो हो सकता है मेरा दिल पिघल जाए और तेरी जेब में और एक सिक्का आ जाए। ठीक है साहब, मैं अभी जाता हूँ। अभी हम तो तुम्हें जानते ही नहीं है। अरे आप चुप रहिए प्लीज। मिलने का प्रॉमिस देके कहाँ कट लिया सिजारियो। पहले मालिक की बात हो जाने दो क्लियर, उससे पहले नौकर बोले ये अच्छा नहीं लगता डियर। अरे तेरे मालिक की तो मैं भाई मजद काय कमी है। कुछ नया हो तो बताना, वरना फिर से मत पकाना। अरे तू मारे जा रही हो ताने पे ताना। मेरी शक्ल मत देखो, मेरी बातों पे मत जाना। मेरी लॉयल्टी के किस्से ना कहता है जमाना। झूठ कहता है ये जमाना, तुम लड़की हो नहीं लॉयल। हवा निकल गई मेरी, मैं राजा था कभी रॉयल। मैं इतनी मीठी बात करता हूँ, तू कड़वा बोलती है क्यों? जुबा से हो कौवे जैसी, शक्ल से दिखती हो कोयल। कर लो जो करना है, जो भी दिल में है प्यारे, पर ऐसी कोई हरकत ना करना कि पब्लिक खींच के मारे। मेरी बात सुन, मैं इतने टाइम से तेरे दिल का दरवाजा खटखटा रहा हूँ और तू है कि अंदर से कुंडी ताला मार के बैठी है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आजकल उसकी चाबी किसके पास है। नहीं साहब जी का है, वो भाई है मेरा प्यारा सा, और उसे ये पता है कि तू उसकी होने वाली भाभी है। हालांकि भाभी और भाई के बीच क्या चल रही है भी मुझे पता है, लेकिन तू कुंडी ताला मार के बैठे रहे, मैं चाबी अपने साथ ले जा रहा हूँ। चल हम दोनों आपस में सुखी रहेंगे। चल सीनो, माय गॉड, शी इज गेटिंग ऑन माय नर्व्स मैन। अरे उसी के पास जिसके लिए मेरे दिल में है रिस्पेक्ट, वही है मेरा सच्चा दोस्त और मेरे लिए बीवी से भी है परफेक्ट। पर तू मुझे क्यों कर रहा है निग्लेक्ट? बस यूज किया और रिजेक्ट। मैडम मैंने कब किया था आपको सिलेक्ट? हाय बड़ा भुलक्कड़ आदमी है। इधर ही पिछले सीन में बड़े स्टाइल से तूने किया था मेरा प्यार एक्सेप्ट। ओए जल्दी करो, राजा हूँ भेंडी खाली आदमी नहीं हूँ मैं। चल ले। अरे साहब वाह वाह वाह, तेरा कोई बताएगा नहीं क्या हुआ था मेरे और इस जवान आदमी के बीच? ए बताओ रे क्या हुआ था, जल्दी बताओ। देखिए हमें नहीं पता कि आप इनके एक्स हैं या वाई। पर पिछले सीन में ये दो थे और एक गिरा जाए। और जनजना के हिलत रही चार पाए, और इस बात की मैं दे सकता हूँ गवाही। चुप कर, हुआ क्या, ब्रेकअप हो गया क्या? हेलो भतीजी। ए बाड़ा उठ। माफ करना पिट गए आपके रिश्तेदार। मैंने मजबूरी में किया उन पे वार, जो ना पीटता उनको तो पिट जाता मैं खुद ही, और खुद पिटने से अच्छा है पीटो दूसरों को। यार देखो भाई सिजारियो, ऐसे मत मारा करो। अरे एंड्रू दादा, भतीजी बेहोश हो गई बेचारी। ए गंगा मैया।
वही चेहरा, वही आंखें, ड्रेसिंग सेंस भी वही। ये बंदा है कोई दूसरा या पेंटिंग है कोई? किसी फोटोस्टेट मशीन से निकाली हुई कॉपी है या फोटो खींच के लाए मेरे यार की? अगर है ऐसी मशीन तो मुझे भी बता दे यार, मैं भी निकालूं एक कॉपी अपने प्यार की। ही दर 16 क्लाइमैक्स ला बेशुद्ध पड़ते का बक्का चाल नहीं दे। शीशा नहीं है सामने फिर क्या है चमत्कार? भगवान तो मैं नहीं हूं कि ले लूं दो अवतार। बहन मेरी डूब गई और भाई था नहीं, फिर तू कहां से पैदा हो गया मेरे रिश्तेदार? कोई आई कार्ड, आधार पत्र, पासपोर्ट कुछ है? मम्मी पापा कौन थे कुछ तो बता दे यार। डूब गया था मेरा भाई, आया था एक तूफान, यही चेहरा, यही आंखें, यही कपड़े, सेम टू सेम मुस्कान। कपड़े चुराना फिर भी किसी के यहाँ आसान, मैं शक्ल कैसे चुराई? तुम भूत हो या शैतान? कमाल, कमाल। बस बस बस, पापा से चुगली करती थी, बात बात पे लड़ती थी, मैं क्रिकेट में बिजी रहता था, ये गुड़िया से खेला करती थी, जिस हाथ पे राखी बांधी थी ये वही सेम है कलाई, और बचपन जिसके साथ बिताया मैं वही सेम हूँ भाई। भैया कमाल कमाल भाई साहब, बस हो गया भैया, सॉरी। शुक्र मनाओ जी, आपको मेरी बहन के चक्कर में मेरे से प्यार हो गया। है जी। नहीं तो कहीं अगर आपका दूल्हा बन जाती मेरी सिस्टर तो कौन बनता मिसिज और कौन बनता मिस्टर? चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तुम दोनों का एक है परिवार, ब्लड रिलेशन है तुम्हारा, और एक से है संस्कार। और अगर इस बात पे मैं करता हूँ एतबार तो तुम्हारे फैमिली का एक मेंबर मैं भी करता हूँ स्वीकार। अरे इस बेचारे ने, मेरा मतलब है बेचारी ने, कहा था मुझसे हजार बार कि ये जितना मुझसे करती है प्यार शायद किसी और लड़के से कर पाएगा, लेकिन मुझे आइडिया नहीं आया ये खुद लड़की निकल आएगा। लेकिन साहब जी, जो मैं कहता था अपने दिल से कहती थी और बात मेरे दिल की दिल में ही रहती थी। ओए मत रखो दिल की दिल में, जल्दी से मुझे बताओ। और ऐसे तुम्हें देख के बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही है यार, जाओ जल्दी से कपड़े बदल के आओ। चलो री। ए सेबेस्टियन, गोरी सही मैडम जी, आप बोल रहे हैं मैडम जी, विजिटर। मेलवोलियो, कैसे हो? कैसे हो? जख्मों पर नमक तो ना छिड़को मैडम जी, जो बातें भूलने की है उसे भूल जाने दो। जख्म? पर मैंने तो तुम्हें कोई जख्म नहीं दिया। दिया है मैडम। गौर से देखो ये लेटर, किसकी है लिखाई? क्या आपकी नहीं है? कह दो हमसे सच्चाई। अरे डिजाइन आपका, सील आपकी, वरना हूबहू वैसी की वैसी किसने है बनाई? अरे ये मेरे जैसी राइटिंग है पर मेरी नहीं है। तूने जो किया वो गलती तेरी नहीं है, ये गलती तो मारिया की है, और गलती भी नहीं, उसने जानबूझ के किया ये सब। मारिया कौन से फाइल से निकाला ये? आओ काका, मैं मानती हूँ कि मैंने और टोबी ने मिलकर इस मालवोलियो को बहकाया था। हाँ। पर इसने भी तो आदर्शवाद का लेक्चर दे के हमको बड़ा पकाया था। और लेटर लिखने के चक्कर में हम आ गए एक दूसरे के इतने क्लोज कि टोबू डार्लिंग ने कर दिया मुझको प्रपोज। कांग्रेचुलेशंस टोबी, नो ऑप्शन, आई लव यू। अरे वाह, इन लोगों ने तो तुम्हारी चांद कुंडली में छेद ही कर दिया। मैं सबको सबक सिखा कर ही दम लूंगा। हिस्ट्री विल रिपीट माय सेल्फ। मालवोलियो, अरे उसे कहो इज्जत तो हाथों का मैल है, कभी आती है कभी जाती है, लेकिन ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। जल्दी से डालो माला गले में, और तू भी सिजारियो, वायोला बनने में कितना टाइम लगेगा? Oh,
पिंड दया ओ पिंड दया नंबर दारा ओ पौड़ा ही मलाल करगड़ा पौड़ा ही मलाल करगड़ा ओ पिंड दया आ पिंड दया ओ पिंड दया नंबर दारा पौड़ा ही मलाल करगड़ा रूप ते जवानी माया नित नयो आव दे रूप ते जवानी माया नित नयो आव दे काशनी दुपट्टे उत्ते फूल नयो सज दे जो बना द लैणा जे हुजारा पौड़ा ही मलाल करगड़ा पौड़ा ही मलाल करगड़ा माया मरी न मन मरा मर मर गए शरीर आशा तिसना ना मरी कह गए दास कबीर।